महापुरुषों का नमन करते हुए मुझे और आप तमाम लोगों को बोलने का अधिकार देने वाले, वोट का अधिकार देने वाले, अपनी बात को कहने का अधिकार देने वाले, सम्मान स्वाभिमान अधिकारों की लड़ने का अधिकार देने वाले परम पूजनीय विश्वरत्न बाबा साहब अम्बेडकर को नमन करते हुए, मेरे रहबर मेरे गुरु माननीय काशीराम साहब को नमन करते हुए, जननायक कर्पूरी ठाकुर और बिहार में जन्मे सभी संतों महापुरुषों गुरुओं को, क्रांतिकारियों को नमन करते हुए, अगले 10 मिनट आप मुझे सुने और इन 10 मिनट में मैं जो बात करने वाला हूं मैं गारंटी देता हूं कि आपके दिल और दिमाग दोनों में जाएगी। आपने सुबह से कड़ी धूप में मेरा इंतजार किया है, मगर मैंने भी बिहार से कुछ सीखा है। आज 5 सितंबर है, शिक्षक दिवस है, गुरु का दिन है और मेरे रहबर मेरे गुरु माननीय काशीराम साहब ने मुझे ये सिखाया था कि अगर आप चाहते हैं कि बहुजन समाज के हित का काम करना, आप चाहते हैं दलितों के, पिछड़ों के, मुसलमानों के, आदिवासियों के, अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के, गरीबों के हितों की बात करना, तो आपको जमीन पर जाकर इनकी लड़ाई को समझना पड़ेगा और तभी आप उनका भला कर सकते हैं। जब लड़ाई को जान लेंगे, जब आप समस्या को जान लेंगे और निराकरण को जान लेंगे। आज 5 सितंबर को एक और बड़ा दिन है, आज एक शहादत दिवस है, बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी की, जिन्होंने अपना पूरा जीवन अन्याय अत्याचार के खिलाफ संघर्ष करने में गुजार दिया। ऐसी एक सभा में उनको गोली मारी गई थी, मुझे बताया गया कि हम मूछे रखने में मूछे काट ली जाती है, पीट दिया जाता है। मैं पूरी जिम्मेदारी से आपको कह रहा हूं इस मंच पर खड़े होकर माता की धरती पे कि वो दिन दूर नहीं कि जालिम को उसके शब्दों में जवाब देने की हिम्मत रखते हैं हम लोग। हमारी लड़ाई किसी जाति धर्म से नहीं है, लेकिन अगर कोई हमारे लोगों का, इसमें दलितों का, पिछड़ों का, मुसलमानों का अपमान करेगा, उनके अधिकारों को सीज करने का प्रयास करेगा, तो उसको उसी की भाषा में समझाने का काम भी हम लोग आने वाले समय में करेंगे। मैं बिहार में आया, मैं अपने दिल की बात कह रहा हूं, बात कड़वी है। मैंने अपने लोग देखे, मुझे जाति में ढूंढोगे तो परेशान हो जाओगे। मैं चमार भी हूं, मैं वाल्मीकि भी हूं, मैं मूसार भी हूं, मैं पासवान भी हूं, मैं मुसलमान भी हूं, मैं तमाम वो लोग हूं जो गरीबों की लड़ाई लड़ने के लिए खड़े हुए हैं, क्योंकि मेरा जमीर जिंदा है और जिसका जमीर जिंदा है वही हक की बात कर सकता है। वरना यहां के नेता ये भी कहते हैं कि दलित का बच्चा तो हल भी चला लेगा, दलित का बच्चा तो हल भी जोत लेगा, स्वर्ण का बच्चा जो है हल कैसे जोतेगा, स्वर्ण कैसे जोतेगा, उनके लिए आरक्षण होना चाहिए। ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना जमीर जो है सामंतों के घुटनों के आगे रख दिया है, ये वो लोग हैं जिन्होंने अपना जमीर बेच दिया है। मैंने अपने लोगों का दर्द देखा, बदन में कपड़े नहीं है, मैंने वो पानी चक्के देखा जिस पानी को जानवर पीते हैं, मैंने उनके हालात देखे कि उस पानी से वो नहाते हैं जो गंदा है, मगर वो गरीब भले ही हो, ये पार्टी भी गरीबों की है, लेकिन हमारे लोग स्वाभिमान से समझौता नहीं करते हैं, ये देख के मुझे गर्व आ जाते हैं बहुत। मैं जो जरूरी बात आपको कह रहा हूं, जरा गौर कीजिएगा तमाम नौजवान साथी, हमारे हक छीन रखे हैं। बाबू जगदेव प्रसाद जी कहते थे कि 100 में से 90 शोषित, 90 भाग हमारा है और थन धरती राजपाट का बंटवारा करो, बहुजन समाज तैयार हो चुका है,
मैं इस बात की गारंटी देता हूं आज कि अगर आप लोग तैयार हो जाए, धन भी आपका, धरती भी आपकी, राजपाट भी आपका, राज भी आपका। अब ये जो गुलामी जबरदस्ती लोकतंत्र में हमारे लोगों में थोपी गई है, वो गुलामी की जमेरियां भी कट जाएंगी। बिहार की बदहाली के जिम्मेदार वो नेता नहीं है जो एसियों में बैठे हैं, बिहार की बदहाली के जिम्मेदार हम तमाम लोग हैं जिन्होंने ऐसे नेताओं को चुना आज तक। अब आपके पास समय है, ईमानदार लोगों को, चाहे वो गरीब हो, अगर आपका रखवाला हो, आपकी बात करता हो, आपके हक के लिए लड़ता हो और आपके लिए दिन रात खड़ा रहता हो, ऐसे लोगों को आगे बढ़ाने की जरूरत है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मैं आपकी ताकत को इतनी मजबूत करूंगा और आपकी लड़ाई को यहाँ से दिल्ली तक आज तक उठा दे आया हूँ, आने वाले कल में भी उठाऊंगा। कोई गरीब, दलित, पिछड़ा, मुसलमान, आदिवासी अपने आप को अकेला ना समझे। आप सब लोग, तमाम लोग हाथ उठा के विश्वास दिलाइए कि हम सब लोग जो है गरीबों के साथ खड़े हुए हैं। और आप घर में रहेगा, आप लड़ाइए, तमाम लोग लड़ेंगे और आपका भाई लड़ेगा। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आशीर्वाद देने के लिए सबसे ज्यादा शुक्रिया अपनी माताओं बहनों का करूंगा कि वो धूप में बैठी हुई है और अपने बच्चे से इतना प्यार करती है। जब मैंने वहां देखा तो बहुत नारेबाजी भी कर रही थी। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, मैं आपका बेटा, मैं आपका खून, आपके गुलामी के दिन कटने वाले हैं। अब आपको कोई परेशान नहीं कर पाएगा, अब आपको ये जुल्म वाली, जाति वाली जिंदगी, अपमान वाली जिंदगी ज्यादा दिन नहीं जीनी पड़ेगी। आपको रोजगार के लिए किसी साहूकार के घर के आगे नहीं खड़ा होना पड़ेगा। आपको बच्चा आपसे वादा करता है, आप बस आशीर्वाद बना के रखना। आप देखिएगा आने वाला कल जो है वो परिवर्तन का है। किसी बिहार से तमाम तरह की परेशानियां खत्म करके मुझे बात कहनी भी थी और मेरे दिल में दर्द है। मुझे प्रभारी लोगों ने बताया कि 15 लाख लोग रोड पर है, जहां जहां बाढ़ आई है 15 लाख लोग रोड पर हैं। मुख्यमंत्री जो कहता है कि मैं यहां मुख्यमंत्री हूं, वो कैसे चैंजर सो सकता है जब गरीब 15 लाख सड़क पर है, जिनके पेट में रोटी नहीं है, तन पे कपड़ा नहीं है, सर पे छत नहीं है। क्या हमें नहीं दिख रहा हमारे लोगों के हालात क्या है? इसलिए मुझे आपका अपना दर्द एक लगता है। इस जानवरों की जिंदगी को जीने नहीं दूंगा मैं अपने लोगों, किसी भी हालत में नहीं दूंगा, किसी भी हालत में नहीं दूंगा। मैं आपके सम्मान की जिंदगी के लिए, आपके सम्मान को सुरक्षित रखने के लिए अपने लोगों का एक कतरा लगा दूंगा। विश्वास आपको दिलाता हूं, मादा के तकलीफ। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।